तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, पर यह सभी लोगों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें, शायद ये आपकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन हो और आप हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है? तो हमारे मन के चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम याद कहते हैं। याद में हमारी मेमोरी होती है और हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। उस याद को बुद्धि एसेस करके डिसीजन लेती है। तीसरा पार्ट है मनुष्य और चौथा पार्ट है चित्त। वेस्टर्न सिस्टम में दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे 20% प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है और अनकॉन्शियस माइंड 80% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कहते हैं कि इसे गॉड कंट्रोल करता है, या हम जो कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें इस अनकॉन्शियस माइंड में लिख देते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड इसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को चलाता है। हमारे हिंदू सिस्टम में माथे पर टीका लगाते हैं, ठीक है ना, या कहते हैं इसका माथा या टेम्पल बहुत बड़ा है तो ये किस्मत वाला है। इन सब का आंसर क्यों क्या है कि हम टीका क्यों लगाते थे? तो इसका आंसर है कि हमारा जो माथा है उसको इंग्लिश सिस्टम में PFC प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और जिसे हिंदू सिस्टम में थर्ड आइज कहते हैं। PFC और माथा हमारे बॉडी का कंट्रोल पैनल है। जैसे इसरो ने जब चंद्रयान लॉन्च किया था, उससे लॉन्च करने से पहले उसने कंट्रोल पैनल बनाया या कंट्रोल सेंटर बनाया जो चंद्रयान की सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। तो PFC का काम क्या है? हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि यहाँ पर एक नर्वस सिस्टम का बहुत ही डेंस जाल बना हुआ है जो हमारी बॉडी के हर पार्ट से मिलता है। जब स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है या कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसको लगता है कि वो कार्य नहीं कर पाएगा या इंटरेस्ट नहीं है, या वाइफ जब हस्बैंड से कुछ कहती है तो ये PFC बंद हो जाता है या थर्ड आइज बंद हो जाती है, जिसे मैं फाटक बोलता हूँ कि फाटक बंद हो गया। जस्ट लाइक ए कंप्यूटर या फोन का स्क्रीन सेवर। जब हम स्क्रीन कंप्यूटर को यूज नहीं करते और उसमें ऑप्शन होता है कि 5 मिनट में स्क्रीन सेवर बंद हो जाएगा, 20 मिनट में स्क्रीन सेवर बंद हो जाएगा, और कुछ लोग तो कुछ सेकंड के लिए ही डालते हैं, तो कुछ लोगों का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ही खुला रहता है। जैसे ही वो कुछ सेकंड निकलते हैं उसका PFC बंद हो जाता है। अगर हमें और बच्चे को ये बात पता नहीं है कि मेरा PFC बंद हो गया है, PFC बंद होने का मतलब उसका फोकस ख़त्म हो गया, और फोकस ख़त्म करते ही उसके दिमाग पर या माथे पर एक स्क्रीन सेवर आ जाता है और वो ड्रीमी स्टेट में चला जाएगा। स्टूडेंट बोर्ड को देख रहा होगा लेकिन सोच या देख कुछ और रहा होगा। इस समय अगर उस बच्चे को या उस आदमी को ये ध्यान दिलाया जाए कि तेरा फाटक बंद हो गया है, या उसको ये खुद एहसास हो जाए, तो PFC ऑन हो जाता है। बिल्कुल जैसे जब हमें कंप्यूटर ऑन करना होता है तो हम माउस को हिला देते हैं, माउस को हिलाते ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है और PFC या थर्ड आइज एक्टिव हो जाता है और वो सीखने लगता है। तो अगर हमें ये एहसास आ जाए कि मेरा PFC बंद हो गया है तो हम कुछ दिनों में ये हमारी हैबिट बन जाएगी, हम उसको फौरन ऑन कर सकते हैं। अब आपके सामने इतनी सारी फोटो मैंने दिखाई हैं, उन फोटो में कॉमन क्या है? इन सब लोगों का माथा चौड़ा है। माथा चौड़ा है इसका मतलब इनको गॉड गिफ्टेड बड़ी ज़्यादा नर्वस सिस्टम मिला हुआ है, जिससे ज़्यादा सोच सकते हैं और दूर तक के देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जिनका माथा छोटा है कि वो सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। हमको या तो गॉड गिफ्ट मिलते हैं या फिर हम अपनी लाइफ में उसे डेवलप करते हैं। तो जिनका माथा छोटा है वो भी अपने अंदर ये प्रॉपर्टी ला सकते हैं, पर फोकस करने के बाद। अब आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने अपने PFC या माथे को बालों से ढक लिया है। तो जब उन्होंने अपने बालों से इसको ढक लिया तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने माथे को ओपन कर लिया
तो वो सक्सेसफुल भी है और उन्होंने लाइफ को हैप्पी भी दिया। कुछ लोग अपने माथे को बाल से पूरा ढक लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर विचार में ही घूमते रहते हैं। अतः अगर वो अपने बालों को माथे से हटा ले तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बात आई कि पीएफसी को हम ओपन कैसे करेंगे। इसको ओपन करने का एक तरीका है कि आप माथे पर तिलक लगाएं जो केसर का हो सकता है। केसर का स्पेसिफिकली इसलिए लगाते हैं क्योंकि केसर गर्म होता है और हमारे थर्ड आईज और पीएफसी को एनर्जी देता है। दूसरा तरीका है कि जब आपको यह एहसास होने लगे कि मेरा पीएफसी बंद है या ओपन है, तो जब बंद हो जाए तो आप उससे निकलने के लिए बोले चेकआउट, और एंटर करने के लिए, फोकस करने के लिए बोले चेक इन। तो कुछ दिनों की मेहनत के बाद में आप देखोगे कि आपको यह एहसास होने लगा है कि मेरा पीएफसी या थर्ड आईज बंद हो गई है और आप उसको इजीली ओपन कर सकते और फिर यह आपकी हैबिट बन जाएगी जिससे आप सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आपने 15 दिन इसको प्रैक्टिस की तो आप देखोगे आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, चाहे वो घर में लड़ाई हो या आपके काम की प्रॉब्लम हो या आपकी याद करने की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होती जा रही हैं और आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती जा रही है।